नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक टेक्निकल हेल्पर का वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर गुड न्यूज़, सिलेक्टेड बंदे हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, कंफर्म है ये बात। यहाँ पर राजेश्वर गुप्ता ने ट्वीट कर बताई है और 20 नवंबर की अपडेट है। बस चयनित अभ्यर्थियों को क्या करना है जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग है वो कन्फर्म हो जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो राजेश्वर गुप्ता के ट्विटर पर जो भी इन्होंने इन्फॉर्म दी है कल, वो मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा एक चैनल है इन्फो गोल्ड जो, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें नई अपडेट पाने के लिए टेक्निकल हेल्पर की। तो ये जो दोस्तों, इस लड़के ने ट्वीट कर राजेश्वर गुप्ता से पूछा है, सर आप मेरे किसी ट्वीट का जवाब नहीं देते हैं, बस इतना बता दीजिए कि क्या टेक्निकल हेल्पर की ज्वाइनिंग 15 दिसंबर तक मिल जाएगी। तब इन्होंने इसका रिप्लाई दिया दोस्तों कि नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है, मतलब ज्वाइनिंग मिलेगी लड़कों को, नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है, बस उनको क्या करना है वो भी राजेश्वर गुप्ता ने बताया है। तो दोस्तों, जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनको उसके ऊपर करना चाहिए वो, ताकि उनकी ज्वाइनिंग और मजबूत पक्ष में आ जाए। तो ये देखो दोस्तों, जो बंदे हैं वो सिलेक्टेड बंदे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। देखो, इस लड़के ने यहाँ पे ट्वीट किया है, सभी भाइयों को सूचित होगा, कोर्ट ने ऑल सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट का पक्ष रखने को बोला गया है। इस मैटर में हमें एक वकील करना पड़ेगा, तो अपनी राय, नौकरी के लिए जागरूक हो। ये यहाँ पर नंबर दिए इस लड़के ने, तो आप जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं वो इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर सेंड करें ताकि हमें उचित कदम उठा सकें। तो इसका यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई दिया, कोर्ट हैज़ इनवाइटेड सिलेक्टेड पर्सन्स टू बी ए पार्टी, मतलब कोर्ट ने है सिलेक्टेड बंदों को इनवाइट किया है एक पार्टी के रूप में, एक पक्ष रखने के रूप में। जो भी यहाँ पर रिट लगी है, उस रिट के विपक्ष में यहाँ पर सिलेक्टेड बंदे अपना जो मुद्दा है वो रख सकें और कोर्ट में अपनी जो पक्ष है उसको मजबूत बना सके। तो इन्होंने कहा है कि एक पार्टी के रूप में सिलेक्टेड बंदों को आना चाहिए कोर्ट में, कोर्ट ने उन्हें इनवाइट किया है, तो वहाँ पर अपना पक्ष रखें एक वकील कर कर। तो दोस्तों, जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएं। काफ़ी लड़कों ने यहाँ पर अपने नंबर दिए हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं टेक्निकल हेल्पर के ऊपर कि यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट करो हमसे। तो दोस्तों, अपने अपने नज़दीकी क्षेत्र में कॉन्टैक्ट करें, जैसे कि जयपुर का है वो जयपुर में कॉन्टैक्ट कर सकता है, अदर बार के वो बार भी कॉन्टेक्ट इकट्ठे होकर कोई डेट फिक्स करेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कोई वकील करेंगे ना, तो हो जाएगा सिलेक्टेड बंदों के लिए। यहाँ पर ये ट्वीट किया इन्होंने, तो ये सर सिलेक्टेड बंदों की तरफ से आप तो आप हो ना, वकील तो आप कर रहे हो ना, फिर भी हमारी तो, मतलब इस लड़के ने कहा कि सर सिलेक्टेड बंदे हैं उनकी तरफ से तो आपने वकील कर रखा होगा, आप अपनी भर्ती की पैरवी तो आप ही करोगे ना। मतलब जैसे राजस्थान पुलिस की यहाँ पर रेट लगी थी, उस हिसाब से तो राजस्थान पुलिस की जो विपक्ष का चुनाव था वो राजस्थान सरकार ने खुद वकील किया था, वही वकील लड़ा था चुनाव। तो इन्होंने इसका जवाब दिया दोस्तों, वी आर डिफेंडिंग सिलेक्शन प्रोड्यूसर। तो मतलब इन्होंने कहा कि हम हैं वो चयन प्रक्रिया का, जो चयन प्रक्रिया है उसका बचाव कर रहे हैं दोस्तों। तो सिलेक्टेड बंदों का वो है, वो खुद ही अपना पक्ष रखेंगे, खुद ही इकट्ठे होकर यहाँ पर कोई वकील करेंगे और कोर्ट में जाएंगे तो उनका पक्ष मजबूत होगा। ये सिर्फ अपने जो चयन प्रक्रिया है उसके ऊपर जो सवाल है नॉर्मलाइजेशन का, ये उसके खिलाफ है। अगर यहाँ पर चयनित बंदे यहाँ पर कोर्ट में जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं तो ये केस और यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, सिलेक्टेडों के लिए खुशखबरी जल्द आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग तो कन्फर्म मिलेगी ही मिलेगी 15 दिसंबर के समथिंग पर, यहाँ पर इस रीट को खारिज होना भी ज़रूरी है दोस्तों। इस रीट का वैसे तो कोई मायना नहीं है ज्वाइनिंग के ऊपर, ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी पर इस रीट के बेस पर मिलेगी। कल को इसका क्या रिजल्ट आता है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग में बाद में इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहले ही इसका फैसला हो जाए और ये रीट खारिज हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर और अच्छा हो जाएगा सिलेक्ट, फिर कोई रुकावट नहीं होगी भर्ती में। और रीट का आपको सभी को पता है कि रीट है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर लगी हुई है दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर कोर्ट ने, जैसा कि यहाँ पर न्यूज़पेपरों में आया था कि सिलेक्टेड बंदों को अपना पक्ष रखना चाहिए, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जवाब काफ़ी लड़कों ने ट्वीट किया था राजेश्वर गुप्ता को, तो इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई दिया है कि ज़रूर उन्हें ज़रूर रखना चाहिए अपना पक्ष, इकट्ठे होकर एक वकील इकट्ठ करके अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए कोर्ट में। वो सिर्फ चयन प्रक्रिया का बचाव कर रहे हैं, ना कि चयनित बंदे हैं उनका। तो दोस्तों, जो चयनित हैं उन वो यहाँ पर ज़रूर सक्रिय हो रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे इस ट्वीट में नंबर है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो यहाँ पर सोशल मीडिया से किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इकट्ठे होंगे, इतने तारीख को जयपुर जाएंगे, तो उससे आप एक्टिव रहें और साथियों का साथ दें दोस्तों, तो कन्फर्म आपको ज्वाइनिंग मिलेगी।
कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो धन्यवाद, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर टेक्निकल हेल्पर की मोर अपडेट पानी है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।